सुनिए, ये मेजर शाद आफताब खान का घर कौन सा है? मालूम नहीं हमको बाबा, चलो चलो आगे चलो चलो। अरे बेटा सुनना। अरे अरे कहाँ कहाँ से लोग आ जाते पता नहीं। बेटा वो मेजर शाद आफताब वो खान जी का घर किधर है? क्या बात है, भिखारियों की भी कितनी तरक्की हो गई है, लोगों का पता लेकर भीख मांग रहे हैं आजकल। अरे हाँ याद आया, आज वो गरीबों को खाना खिलाने वाले हैं। जाओ जाओ अच्छा खाना मिलेगा। यहाँ से सीधा जाकर दाहिने हाथ पे मुड़ के पहला बंगला उन्हीं का है। शुक्रिया। सनम अपनी मौत को गले लगाने के लिए तैयार हो जाओ, सरद पार से खास तौर से तुमसे मिलने आई हूं मैं। हो सकता है कि मेरे घर वालों ने मुझे ढूंढने के लिए कुछ लिखा हो। आपको डिस्टर्ब किया? नहीं नहीं, मैं तो बस वैसे पेपर पढ़ रही थी। बैठिए। कुछ लाया हूँ आपके लिए। बीवी के लिए तोहफा लाए हैं आप? नॉट बैड, दिखाइए। ये है दो घड़ियां, और ये कोई नॉर्मल सी घड़ी नहीं है, कस्टम मेड है, जिसमें एक स्पेशल कनेक्शन फीचर है। ये क्या होता है? हाथ दीजिए अपना। ये दोनों घड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ऐसे हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जी। ये बटन देख रही है आप? आप जब भी इसे दबाएंगी तो इस घड़ी में अलार्म बजेगा, तो अगर आप मुसीबत में होगी मुझे पता लग जाएगा। लेकिन ये सब आपको पता है क्यों? उस दिन जब शशि कपूर आया था, आप पे अटैक किया, आप बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। मैं नहीं चाहता ऐसा दोबारा हो। तो ये घड़ी आपकी सलामती के लिए। लग रहा है किसी आर्मी ऑफिसर की बीवी हूं मैं। शायद आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं, कितनी परवाह करते हैं ना मेरी। अब करेंगे ही ना, मैं आपके लिए स्पेशल जाऊं। मुझे अब चलना चाहिए, फंक्शन एक घंटे में शुरू हो जाएगा और बहुत सारी तैयारियां बाकी है। क्या हुआ? आप नहीं चाहती कि मैं जाऊं? आप पता नहीं क्यों शायद मेरा दिल कर रहा है कि आप ना जाएं। शायद मियां क्या हो गया आपको? क्या कह रहे थे जन्नत के सामने? वहां शायद वो आपको रोकने की कोशिश कर रही थी और आप है कि शुरू हो गए। सवाल कर रहे हो उसको कि क्या हुआ, क्या मैं नहीं जाऊं?
शायद वो किसी और की अमानत है। किसी और की अमानत से दिल लगाना रुक जाओ शायद अभी भी वक्त है। बेटा ये मेजर शाद आफ्ताब खान का घर यही है क्या? जी हाँ, आप फंक्शन के लिए आए हैं राइट? आइए ना, मुझे माफ कीजिए, मुझे अभी बाहर जाना होगा, लेकिन आपको अंदर मेरी बीवी मिलेगी, जन्नत नाम है उसका। मुझे ये कह दीजिएगा कि मैंने आपको भेजा है, बाकी लोग भी आते होंगे। प्लीज I'm so sorry. इंसान को वक्त का पाबंद होना चाहिए। कभी कभी एक एक मिनट ना जिंदगी के लिए बहुत अहम होता है। कब से इंतजार कर रही हूँ। I know, Miss Bam. I'm sorry. वो जन्नत के साथ मैं। जन्नत के साथ? माशाल्लाह। वैसे शायद आप तो ऐसे नहीं थे। चले। चलिए। प्लीज मिसबा, वैसे आपको जाना कहाँ है? गाड़ी में लगे बॉम्ब में 20 मिनट का टाइमर है, उसके पहले गाड़ी से उतर जाओ, क्योंकि टाइमर ऑन होते ही 10 सेकंड्स में बूम। मुझे बस यहीं जाना है, अपनी दोस्त के घर 15 मिनट की दूरी पर ही है। वो क्या है ना, ये वन वे है तो कदमिस की बहुत प्यार, इसीलिए सोचा कि आपके साथ चले जाऊं और इसी बहाने अपने खास दोस्त से कुछ बात भी कर लूंगी। जी। अफगानी कोबरे का जहर है ये सुई, अगर एक बार किसी को लग जाए तो समझो आदमी मर गया। जन्नत तुम अपना काम करो, हम देखते। जी आप कौन? वो हमें शाद बेटे ने भेजा है। अच्छा अच्छा, हाँ जी आइए आइए आइए। वो आपके बाकी के साथी? वो पीछे छूट गए होंगे।
आते ही होंगे। ये आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? जा रहे हैं ना बहते पानी की तरह है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। लोगों की खुशियों में गाकर हम अपना गुजारा करते हैं, वही गाने रुक गए होंगे वो लोग। कौन है ये? ओ, कोई गाने वाली है शायद, मैंने इसके गाने सुने हो तभी आवाज जानी पहचानी लग रही है। किसे ढूंढ रही हैं? वो शाद बेटा है ना, वो कह रहे थे कि उनकी बीवी है, नजर नहीं आ रही कहीं। जन्नत किचन में, हम अभी उसको बुला के लाते हैं, आप ठहरिए। जब तक ये बुढ़िया वापस आए मुझे इस जगह को देख लेना चाहिए। क्या कर रही है? इससे बुरे साए भाग जाते ऐसे ऐसे। इस नौकरानी को तो सनम के बारे में पता ही होगा, इससे पूछती हूँ। आपको तो पता होगा सनम बिटिया कहाँ है। माफ कीजिएगा, मैं यहाँ पर नहीं आई हूँ, मुझे नहीं पता कि सनम कौन है। अच्छा, आपको ये तो पता होगा मेहमानों का कमरा कहाँ है। जी, वो सीधे जाकर दाहिने हाथ पर। अच्छा, शुक्रिया बेटा। अपने मुल्क से दूर इस मुल्क में सनम मेहमान ही तो है, वो मेहमान बन के ही रह रही होगी, वहीं से शुरू करती हूँ। अल्लाह, सुनिए, ये सब धुआं किसने किया है? वो जो गाने वाली आई है ना, उन्होंने कहा कि इससे बुरे सहे दूर भाग जाते हैं। कहाँ है वो? उधर गेस्ट रूम में। आपको मुझसे कुछ खास बात करनी थी? क्यों, अपने बचपन की दोस्त से बात करने के लिए किसी खास वजह का होना जरूरी है? मिसबा, बचपन के दोस्त कोई बहाना ढूंढ के भी बात नहीं करते। वो तो ठीक है शाद, लेकिन अब आपका निकाह हो चुका है, और वैसे भी निकाह के बाद चीजें बदल जाया करती हैं, और मुझे लगता है कि आप काफी बदल गए। जानते हैं, मामू जान अक्सर मुझसे कहा करते थे कि आपको अपने काम के अलावा और कुछ नजर नहीं आता, और मैंने उस दिन नोटिस किया जब मैंने आपको कहा था कि जन्नत को मनाने के लिए एक आइडिया दिया था मैंने वो आपको, तो आपने मुझसे क्या कहा था? यही कहा था ना कि आपको क्यूट क्यूट चीज़ें करना नहीं आता है और आपको पसंद भी नहीं है, लेकिन आप देख रही हो आप बिल्कुल बदल गए। आपको जन्नत के अलावा और कुछ नज़र ही नहीं आता है। सुबह की चाय उसके साथ पीते हैं, उसका इतना ख्याल रखते हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है, जो कुरियर आया है वो भी आपने जन्नत के लिए कोई तोहफा मंगाया? या अल्लाह, आप इतना शर्मा रहे। पता है लोग कहते हैं कि अगर एक मर्द ऐसे शर्माए ना तो उसे सच्ची वाली मोहब्बत हो जाती है, और मुझे लगता है कि आपको सच्ची वाली मोहब्बत होगी।
अगर इस वक्त मेरी जान भी चली जाए ना तो मुझे कोई गम नहीं होगा, क्योंकि मेरा सबसे अच्छा दोस्त किसी और पे मर मिटा है। हो गया आपका? हो गया। जाना कहाँ है? बस बस वो 5 मिनट की दूरी पे, वो आगे जाएंगे ना वहाँ से। मोहब्बत के आसमान में जितना उड़ना है उड़ लो, क्योंकि सिर्फ 5 मिनट के बाद तुम इस कार के साथ उड़ जाओगे। यहाँ तो कोई भी नहीं है। मुझे ऐसे क्यों लगा कि यहाँ कोई था? अरे क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी शायद? जन्नत मिस बैम सॉरी I have to go. अरे अब शायद कहाँ जा रहे हैं आप? Miss Ba, I'll explain everything later. मैं सब कुछ बाद में explain करूँगा. अब बस ये गाड़ी लेके जाइए, please. I'm really sorry. अरे ऐसे कहाँ जा रहे? मुझे जाना होगा. शायद अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप ये गाड़ी लेकर जाइए. मैं चली जाऊँगी, 5 मिनट की दूरी पर ही. ये one way street है. मैं टैक्सी लेके जाऊँगा. आप प्लीज ये गाड़ी पर जाइए. I'm sorry. शायद मेरी बात तो सिर्फ जरा ही सही वक्त रह गया था। ये अपनी मौत को चकमा देकर निकल गया और मैं कुछ नहीं कर पाई। कुछ नहीं। इस दरवाजे को क्या हो गया? चाबी से भी खुल क्यों नहीं रहा ये?
हेलो, ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है गाड़ी का? क्या आप अभी तक गाड़ी के अंदर हैं? हाँ। 15 मिनट पहले गाड़ी से निकल जाना चाहिए था। आप ही ने कहा था कि मैं इस बात का ख्याल रखूं कि शायद को गाड़ी से बाहर निकलने का रास्ता ना मिले, इसीलिए मैंने ऐसा कुछ किया कि बम फटने के 5 मिनट पहले ही गाड़ी पूरी तरह से लॉक हो जाए।